बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाज़रीन ग्रामी। तहलका खेज खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि भारत ने हर महाज पर पाकिस्तान से और चीन से शिकस्त खाने के बाद बिलाखिर इसराइल से मदद मांग ली। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इसराइली फौज और टैंक पहुंच गए। इसराइल और भारत का मिलकर पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर हमले का ऐलान। पाकिस्तान चीन की फौजें एक साथ लड़ने का फैसला कर चुकी हैं। चीनी त्यारे सकर्दू एयरबेस पर पहुंच गए, भारत में तबाही मचा दी। वीडियो मुकम्मल सबूत के साथ पेश की जा रही है। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गरामी, भारत की हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त खाने के बाद भारत की नज़रें आज़ाद कश्मीर पर लग गई हैं। पाकिस्तानी फ़ौज मुकम्मल तैयार हो गई भारत की मदद करने के लिए। पाकिस्तान का दुश्मन नंबर टू की आर्म फोर्सेस का मकबूजा जम्मू कश्मीर में एंट्री हुई है। जी हाँ, इजरायली टैंक और इजरायली फौज जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मोदी आखिर चाहता क्या है? मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय फौज के अलावा किसी दूसरी ताकत की फौज की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। ये कौन सा मुल्क है और मकबूजा वादी में एंटर हुआ है? भारत का ये गठजोड़ किस जानिब जा रहा है? कौन है जो बहती गंगा में हाथ धो रहा है? नामवर तजिया निगार राना अजीम ने इंकशाफ किया है कि बलूचिस्तान में गैर मुल्की एजेंसियों ने प्लानिंग की मगर नाकाम हुए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों की तकरीब कारी की कोशिश की गई मगर नाकाम हुए। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी CIA रा मोसाद और NDS ने मिलकर कोशिश की नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ करते थे, अफगानिस्तान में अमन मुआहदा हुआ तो तालिबान की शराइत सामने आई। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज निकल चुकी है, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, लिहाजा मकबूजा कश्मीर में प्लानिंग के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक ऐसी वीडियो मंजरेआम पर आई है जिसमें भारतीय फौज नहीं बल्कि कोई और मुल्क की फौज बर्बरियत की इंतहा करती दिखाई दे रही है। तहकीकात करने पर इंकशाफ हुआ कि भारत फौज के साथ मोसाद इजरायली एजेंसी के कमांडोज ने मिलकर एक नए ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। उन्होंने बताया है कि जिस तरह इजरायल फलस्तीनियों पर केमिकल फेंकता था, जिस तरह उनके घरों और बस्तियों को आग लगती थी, वहीं केमिकल और गन्ने मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में इस्तेमाल हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर में बाकायदा खून की होली खेली गई। राना अजीम ने मजीद बताया कि ऐसी तस्वीर मंजरेआम पर आई हैं कि इजरायली कमांडोज भारतीय फौज की वर्दी पहनकर मकबूजा कश्मीर में अटैक कर रहे हैं। रा और मोसाद अफगानिस्तान से निकलने के बाद मकबूजा कश्मीर में अपना मुस्तकिल अड्डा बनाना चाहते हैं। चीन और पाकिस्तान समेत दीगर मालिक पर इजारादारी हासिल करने के लिए अड्डे बनाने का सिलसिला जारी है। उन्होंने बताया है कि रा NDS मोसाद और CIA के लिए कश्मीर एक जन्नत है जिस पर कब्जा हासिल करने के साथ गिलगित पर हमला करने का मनसूबा बनाया गया है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होंगे। इसके अलावा दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर की सकर्दू एयरबेस पर चीनी त्यारे पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त जंग का कभी इम्कान है। चीन और भारत के दरमियान हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं। भारतीय ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान चीन को सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहा है। भारत LAC पर भारतीय और चीनी फौज के दरमियान झड़पों के बाद गुज़िश्ता दिनों सकर्दू में एक चीनी त्यारे की आमद ने उसकी परेशानी दो चंद कर दी है। टाइम्स नाउ न्यूज़ के मुताबिक चीन का ये रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट IL-78 टैंकर गुज़िश्ता हफ्ते सकर्दू में पाकिस्तानी एयरबेस पर उतरा। ये वाक़या ऐसे वक्त में सामने आया जब LAC पर चीनी फौज की सरगर्मियां तेज तर होती जा रही हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंडियन फौज ने इस त्यारे की सरगर्मी रडार पर मुशाहिदा की है। दूसरी तरफ तिब्बत के इलाके में चीनी फौज भारतीय फौज के 20 अहलकारों को हलाक करने के बाद उनकी ट्रोलिंग भी करने लगी है। चीनी फौज की तरफ से इस इलाके में चीन का एक देवकामत नक्शा पहाड़ पर
कुंदा करके इस पर बड़े बड़े हरूफ में चीन लिख दिया गया है। भारतीय फौज की तरफ से इस बदतरीन ट्रोलिंग पर भारत में बहुत हाहाकार मची हुई है। चीनी त्यारे की पाकिस्तानी एयरबेस पर आमद पूरे भारत पर लर्जादारी हो चुका है और पूरे भारत ने इन्हें बौखला कर रख दिया है। भारतीय फजाइया ने चीन के साथ झड़प के बाद लद्दाख एयरबेस पर नकलो हरकत में इजाफा कर दिया है। NDTV चैनल की खबर के मुताबिक भारत ने लद्दाख में अपनी एयरबेस पर जंगी और कार्गो त्यारों के साथ साथ लड़ाका हेलीकॉप्टरों की परवाजों में इजाफा कर दिया है। इतला के मुताबिक मजकूरा एयरबेस चीन की पूरी सरहद पर मुल्क की जंगी त्यारियों के दर्जे में इजाफे के हवाले से अहम किरदार अदा करती हैं। चीन के साथ 20 भारतीय फौजियों की हलाकत का सबब बनने वाली झड़प के बाद भारतीय फजाइया ने इलाके में अपनी कार्रवाइयों में मजीद इजाफा कर दिया है। भारत ने चीन के साथ कशीदगी में इजाफे के बाद मशरकी लद्दाख की पूरी सरहद पर ज़मीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम की तंसीब कर दी थी और हूटज़रों और टैंकों का मुतय्यन कर दिया था। नई दिल्ली इंतजामिया ने भारत की आज़ादी, ज़मीनी सालमियत, दिफा, सलामती, आवामों, नज़्म व नसक के खिलाफ नुकसानदेह कार्रवाई को वजह दिखाकर टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयर इट, वोई चैट, यूसी स्कैनर, एक्सन रोड, क्लीन मास्टर समेत चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों की 59 मोबाइल एप्लीकेशनों को ममनू करार दिया था। वाजिर है कि चीन और भारत के दरमियान 3,500 किलोमीटर तवील सरहद का एक बड़ा हिस्सा दोनों मुल्कों के दरमियान वजह तनाज़ा बना हुआ है। बीजिंग इंतजामिया जनूबी तिब्बत के नाम से भारत के सूबा अरुणाचल प्रदेश के 90,000 किलोमीटर पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। तो नई दिल्ली का इंतजामिया कहना है कि अक्साई चीन से तय मुतफा के 38,000 किलोमीटर इलाके पर चीन ने कब्जा कर रखा है। भारतीय फौज की कमान संभालने वाले नए आर्मी चीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पर हमले की खुला धमकी दी है। ये मुंह और मसूर का दाल के मुंह वाला आर्मी चीफ किस तरह पाकिस्तान को ललकार रहा है, किस तरह भारत का ये चुई वाला आर्मी चीफ पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। जब पाकिस्तानी फौज हमला करती है तो ऐसे आर्मी चीफ की शलवार गीली हो चुकी होती है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान को धमकी देनी है, अपना वोट बैंक बढ़ाना है, मोदी को जितवाना है। तस्नीम खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में आर्मी चीफ जनरल ने कहा है कि भारतीय फौज के पास पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में ऑपरेशन के लिए कई मंसूबे हैं और हम किसी भी टास्क के लिए हम वक्त तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान के कश्मीर में फौजी ऑपरेशन का हुक्म मिला तो इसके मकासद को आसानी से हासिल किया जा सकता है। भारतीय आर्मी चीफ का मजीद क्या कहना था, उनको कहना था कि हमने जम्मू कश्मीर समेत तमाम सरहद पर फौजी तैनात कर दिए हैं और अगर ज़रूरत पेश आई तो हमारे पास कई मंसूबे हैं जिन पर अमल दरामद किया जा सकता है, इसलिए अगर हमें कोई टास्क दिया जाता है तो हम इसे कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे।